सेट किया जा रहा है, मुद्दे तय किए जा रहे हैं। अब एक नया पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर के जरिए यह बताया गया है कि विकास राबड़ी देवी के मायके तक पहुंच गया है। हालांकि यह पोस्टर कौन किसने लगाया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पोस्टर का समर्थन जेडीयू ने किया जरूर है। वहीं आरजेडी ने जेडीयू को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो नीतीश कुमार के 15 साल बनाम 15 साल पर गांधी मैदान में बहस करा लें। चुनावी साल में नया पोस्टर वार, राबड़ी के मायके पहुंचा विकास, नीतीश को आरजेडी से बहस की चुनौती। ये साल चुनावी है और चुनावी साल में पोस्टर वार जारी है। एक नया पोस्टर आया है विकास के दावे के साथ, और इस दावे में ससुराल और नैहर को भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि विकास राबड़ी देवी के मायके तक पहुंच गया है, जो पहले नहीं हुआ। हालांकि जेडीयू ने पोस्टर से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन तारीफ जरूर की। पार्टी ने कोई इस तरह का पोस्टर नहीं लगाया है, लेकिन शुभचिंतक अगर लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में पीड़ा रही है, और आज वो देख रहे हैं कि बिहार विकास के सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें मान लेना चाहिए कि बिहार ने एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस पोस्टर से आरजेडी तिलमिला गई है, लाजिम भी है, क्योंकि निशाने पर लालू राबड़ी के घरों को लिया गया है। ऐसे में पलटवार भी उसी अंदाज का किया गया। चुनौती दी गई कि नीतीश कुमार गांधी मैदान में 15 साल बनाम 15 साल की बहस करा ले। माननीय मुख्यमंत्री को हाया और शर्म है तो गांधी मैदान पटना में तय करें, और हमारे नेता आदरणीय जगदा बाबू रहेंगे, और 15 साल में हमने क्या किया है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने क्या किया है। जनता को वोट देना है और जनता इस बार तैयार है। जनता दल यू के नेताओं का घटियापन सोच है कि पोस्टर लगाकर किसी को कैदी नंबर कह के संबोधित करते हैं। अगर शर्म आती है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उन्होंने करे ना। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में है दुष्यंत चौटाला, उनके पिताजी का कैदी नंबर कितना है, उनके दादा कैदी नंबर कितने हैं, ये अमित शाह जारी करें कि जो भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम है उनके दादा का कैदी नंबर क्या है या पिता का कैदी नंबर क्या है, तो स्पष्ट हो जाएगा। करीब 10 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, और इस चुनावी साल में ऐसे पोस्टरों की भरमार लगने वाली है। साथ ही दावों और हकीकत की भी पोल पट्टी खुलने वाली है। बस आप तैयार रहिए इस साल के ग्रैंड सियासी खेल को देखने के लिए। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।